नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इक्वलाइजर के बारे में। इक्वलाइजर यानी हम लोगों को जो लाइव कार्यक्रम में इक्वलाइजर का जरूरत पड़ता है, यानी इक्वलाइजर एक ऐसा चीज़ है जो इंसान का सुनने का क्षमता है, यानी सुनने का क्षमता जो साउंड का जो मतलब वो है यानी फ्रीक्वेंसीज। तो हम लोग जितना फ्रीक्वेंसी से लेकर जितना फ्रीक्वेंसी तक हम लोग सुन सकते हैं, इंसान सुन सकते हैं, तो उसी फ्रीक्वेंसीज को इक्वलाइजर में बहुत सारा स्लाइडर के जरिए मतलब कंट्रोल का नॉब दिया गया। यानी आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करें तो फ्रेंड्स ये हो, यानी हम लोगों का जो साउंड सुनने का क्षमता है उसको हम लोग इक्वलाइजर के माध्यम से हम लोग साउंड को इन्हांस कर सकते हैं, यानी डीजे के लिए और लाइव कार्यक्रम के लिए। लाइव कार्यक्रम के लिए तो इक्वलाइजर की आवश्यकता बहुत जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज एक इक्वलाइजर के बारे में बात करेंगे जो DBX की तरफ से 231 जो बैंड का इक्वलाइजर, यानी 31 बैंड का इक्वलाइजर। इक्वलाइजर फ्रेंड्स 15 बैंड का भी आता है, 6 बैंड का भी आता है और 31 बैंड का भी फ्रेंड्स इक्वलाइजर हम लोगों को मिल जाता है। तो इक्वलाइजर में क्या क्या है साउंड में? बेस, मिड और हाई, ये तीनों फ्रीक्वेंसीज हम लोग मतलब मोटा मोटा लेके चलते हैं, तो इस टाइप का हो जाता है। लेकिन 31 बैंड है, हम लोग को एक एक स्लाइडर के बारे में हम लोग को जानना है कि जो जो सुनने का क्षमता है, मतलब जितना लो से लेके हाई तक हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आए स्लाइडर के बारे में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो पूरा नॉलेज हम लोग लेने वाले हैं इक्वलाइजर का, मतलब इक्वलाइजर का स्लाइडर के बारे में, कौन सा स्लाइडर का कौन सा जगह पे क्या क्या उपयोग होता है उसके बारे में फ्रेंड्स। और एक मतलब आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक बात, जैसे कि हम लोग कोई साउंड में नए आए हो या नया मतलब कोई बंदा घुसने का प्रयास कर रहा है वो साउंड सिस्टम के लिए, तो बहुत सारा जगह पे वो लोग देखता है। जैसे मैं भी पहले इस टाइप की गलती किया था, जो इक्वलाइजर का बैलेंस्ड किए है बहुत सारा लोग, जैसे कि इस टाइप का बैलेंस किए है, तो हम लोग उसी का कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग को ये मालूम नहीं उसका स्पीकर कितना वाटेज का है, यानी स्टॉप का स्पीकर कितना वाटेज का है, कितना वाटेज का HF लगा हुआ है उसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को मालूम नहीं। तो वो जो बंदा है जिसके देख के आप कॉपी कर रहे हो, उसको उसका स्पीकर के अंदर मतलब टॉप के अंदर कितना वाट का स्पीकर है उसको मालूम नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इक्वलाइजर देख के उसका जो ग्राफिक देख के आप लोग घर पे जाके या कार्यक्रम में जाके कॉपी कर रहे हो, तो आपको उतना अच्छा साउंड क्वालिटी नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं? तो उसका स्पीकर का वाटेज, आपका स्पीकर का वाटेज बहुत सारा अलग है, बहुत सारा बैंड एक जैसा बैंड नहीं। एक जैसा बैंड होगा तो एक ही जैसे इक्वलाइज करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम लोग को जानना है जो स्पीकर का हम लोग इक्वलाइजेशन करने वाले हैं, उस स्पीकर का हम लोग का स्पेसिफिकेशन अच्छी तरह से जानना है, वो कितना वाटेज का स्पीकर है, कितना किलो हर्ट्ज, कितना हर्ट्ज से लेकर कितना किलो हर्ट्ज तक वो स्पीकर काम करता है, उसी का अकॉर्डिंग हम लोग को इक्वलाइज करना है। तो DBX का जो 31 बैंड का इक्वलाइजर है उसका प्राइस के बारे में भी फ्रेंड्स बात करेंगे वीडियो का लास्ट में। और इस स्पीकर को फ्रेंड्स हम लोग इस इक्वलाइजर को हम लोग अच्छे से अभी देखेंगे, प्राइस के बारे में बात करेंगे, अच्छे से देखेंगे। नया इक्वलाइजर है, मतलब बहुत दिन यूज़ करने के बाद थोड़ा बहुत समझ में आया, जो इन्फॉर्मेशन मेरे से मतलब इकट्ठा हुआ वही आप लोगों का शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा काम है। तो चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ से, और कहीं भी गलती हो गया हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्योंकि मेरा गलती सुधर सको। मैं भी साउंड सिस्टम में नया आया हूँ, ठीक है। आप लोगों को मेरे से ज़्यादा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सीनियर भाई है तो उसको मालूम है, वो थोड़ा बहुत अगर नेगेटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिव यानी मुझे मतलब जो चीज़ मालूम नहीं हो अगर कमेंट करते तो उसी से मैं सीखता हूँ। तो आप लोग पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो जरूर कमेंट्स कीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं इक्वलाइजर की तरफ, और 31 स्लाइडर का काम हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे अच्छी तरह से, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं इक्वलाइजर की तरफ। तो फ्रेंड्स हम लोग इक्वलाइजर की तरफ आ गया। इक्वलाइजर में सबसे पहले हम लोग को मिल जाता है आउटपुट लेवल इंडिकेटर। इस इंडिकेटर के जरिए आप लोग देख सकते हो कि ये इक्वलाइजर जो आउटपुट निकल रहा है ये कितना हद तक जा रहा है, यानी कितना डीबी तक जा रहा है, इस इंडिकेटर के जरिए आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो क्लिप कंट्रोल का एक वो है, यानी क्लिप का जो इंडिकेटर है फ्रेंड्स, इसके जरिए आप लोग ये देख सकते हो कि जो आउटपुट निकल रहा है वो क्लिप पे जा रहा है कि नहीं। क्लिप अच्छा नहीं होता है एम्पलीफायर के लिए भी, इक्वलाइजर के लिए भी, ठीक है। उसके बाद मिल जाता है आपका जो ये जो नॉब है, ये वॉल्यूम का नॉब है। वॉल्यूम यानी कैसा वॉल्यूम, जैसे कि आपका जो मिक्सर से जो आउटपुट निकल रहा है ये सीधा जाके मतलब इक्वलाइजर पे घुस रहा है, ओके। इक्वलाइजर से जो फिल्टरिंग हम लोग कर रहा है, इस नब के जरिए हम लोग जो फिल्टरिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, वही फिल्टर जाके सीधा जाके एम्पलीफायर पे जा रहा है। फिर एम्पलीफायर से जो आउट निकल रहा है स्पीकर की तरफ, यही फिल्टर किया हुआ जो आवाज़ है वो जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अगर जो हम लोग इसको इक्वलाइज मतलब किया है उसका आउटपुट लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग इसके जरिए थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा कम हो रहा है यानी स्पीकर पे आउटपुट कम जा रहा है तो इसके जरिए हम लोग बढ़ा सकते हैं, बस यही काम है, बाकी कुछ नहीं।
और यहाँ पे इक्वलाइजर बाईपास है, इक्व बाईपास का जो स्विच दिया है, इस स्विच का फ्रेंड्स यही काम है, यानी जब आपका बैलेंस में कोई भी खराबी रहेगा, यानी साउंड चलाने में आपको बहुत ही दिक्कत होगा, तो आप चाह रहे हो कि इसको नहीं चाहिए, यानी सीधा मिक्सर से एम्पलीफायर पे मेरे को जाना चाहिए, तो ये बाईपास मार दोगे तो इक्वलाइजर का कोई काम ही नहीं रहेगा, ठीक है, यही काम है। उसके बाद फ्रेंड्स लो काट है, यानी इक्वलाइजर पे जैसे कि इक्वलाइज करने के बाद, बैलेंस हो जाने के बाद जैसे साउंड जो लाइव कार्यक्रम या डीजे में साउंड फटा सा आ रहा है, यानी टॉप ज़्यादा से ज़्यादा इक्वलाइजर हम लोग टॉप लाइनर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एयर मोनिटर्स के लिए, तो साउंड अगर फटा सा आ रहा है, यानी बेस ज़्यादा हो रहा है जिसके वजह से साउंड फट रहा है, तो वहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग लो कट का जो बटन है इसको दबाएगा तो साउंड जो है, साउंड का जो लो है वो काट फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स रेंज है, यानी इस बटन के दबाओगे तो इस इक्वलाइजर का फ्रेंड्स इक्वलाइजर का जो मतलब फ्रीक्वेंसी से ये 12% तक घटा भी सकते हैं, 12% तक बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, यानी इस जगह का काम फ्रेंड्स हो गया, ठीक है ना। तो ये चैनल पे जो भी है और नीचे जो चैनल है दूसरा वाला वो भी सेम टू सेम फ्रेंड्स है, ठीक है ना। उसके बाद फ्रेंड्स अभी आएंगे स्लाइडर की तरफ, पहले ज़्यादा स्लाइडर नहीं लेंगे, जो स्लाइडर हम लोगों का पहला का काम है उसी को ही हम लोग लेंगे, है ना। तो 20 से लेके 100 तक हम लोगों का बेस सेक्शन है, यानी बेस लो लो फ्रिक्वेंसी जो है निकलता है वो 20 से लेके 100, मतलब 100 तक, इसके अंदर भी हम लोग इसको दोनों डिवाइड में मतलब बांट सकते हैं, कैसे, यानी 20 से लेके 40 तक हम लोग सबवूफर मान के चलते, यानी सबवूफर उसी बेस को कहा जाता है जिस बेस का जो स्पीकर का वाटेज है, यानी कम से कम 5.5 इंच से लेके 6 इंच तक मतलब हो, यानी वाटेज बहुत ही ज़्यादा हो, उस स्पीकर का जो बॉक्स है यानी सबवूफर मतलब बेस है उसको सबवूफर कहा जाता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी आप अगर आपका टॉक के अंदर या किसी भी स्पीकर के अंदर लाइनेस के अंदर देना चाहते हो तो इसके इस सैडल के जरिए आप कर सकते हो, उसके बाद स्लाइडर के जरिए कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स 50 से लेकर 100 तक आपका प्रॉपर बेस है, ठीक है, तो बेस जितना दे सकते हो इस स्लाइडर के जरिए आप लोग इसको मतलब मैनेज कर सकते हो, यानी मोटा मोटी मान के चलते फ्रेंड्स 20 से लेके 100 तक आपका बेस हो गया। मैंने इसको उठा दिया इसलिए क्योंकि समझने में आसानी होए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स कैमरे को थोड़ा सा आगे करते एडजस्ट करते, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है रात का टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं, हम भी इंडियन हैं जुगाड़ कर ही लेंगे किसी भी तरह से, ठीक है। हाँ फिर फ्रेंड्स 25 से लेके 500 तक, 25 से लेके फ्रेंड्स सॉरी 125 से लेके 500 तक जो स्लाइडर है ये लो मिड कहा जाता है, यानी लो पे यानी बेस पे आप कितना मिड देना चाहते हो ये स्लाइडर आप निर्धारित करेगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स 63 से लेके, यानी 63 से लेके इसको और थोड़ा सा मतलब वो कर लेते हैं, ठीक है, हाँ 63 से लेके फ्रेंड्स 63 यानी 630 से लेके 2K तक ये हो गया आपका प्रॉपर मिड, यानी जो हम लोग अभी जो बोल रहे हैं ना, मैं जो बात कर रहा हूँ यही तो वोकल है ना, इस वोकल को मेंशन वोकल यानी जो है मिड है, वोकल को एडजस्ट करने के लिए आपको मिड का आवश्यकता पड़ता है, इसी नॉब के जरिए यानी 6 नॉब के जरिए आप मिड को हैंडलिंग कर सकते हैं, किस टाइप का आपको मिड चाहिए, है ना। फिर 2.5 किलोहर्ट्ज़ से लेके, यहाँ से लेके फ्रेंड्स यहाँ से लेके 2.5 से लेके आपको मान के चलिए 5K तक ये हाई मिड हो गया, यानी मिड सबसे पहले बेस लो हो गया, लो मिड हो गया, ये प्रॉपर मिड हो गया, उसके बाद हाई मिड है, यानी मिड पे चाहो जितना आपको हाई चाहिए ये इस चारों नॉब के जरिए आप लोग कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, जितना हो सके जल्दी कोशिश करूँ। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो है ना 6.3 से लेके
आपका 12.5 के तक ये आपका ट्रैवल है यानी एचएफ, यानी आपका टॉप के अंदर जो एचएफ या मॉनिटर के अंदर जो एचएफ लगा हुआ है उसका फ्रीक्वेंसीज को आप लोग बड़ा घटा सकते हो इस चारों नॉब के जरिए, ठीक है, 6.3 से लेकर 12.5 तक, ठीक है, ये हो गया। और बाकी दो नॉब रहेगा, एक किस काम की है भाई, क्योंकि सारे काम हो गया, मतलब लो हो गया, लो मीट हो गया, मीट हो गया, हाई हो गया, फिर ट्रैवल भी हो गया, फिर ये क्या है, ये है फ्रेंड फ्रेंड्स अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, यानी ये जो दो नॉब है इसको बड़ा हो गया तो आपका टॉप के अंदर या लाइनर्स के अंदर जो एचएफ लागू हुआ है उसका लास्ट आखिरी जो क्वालिटी है यानी इसको बढ़ाओगे तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी आपको निकाल के दे देगा। एचएफ का जितना क्षमता है यानी क्रिस्पीनेस, बहुत ही शार्पनेस आएगा, मजा आएगा सुनने में। तो जहाँ पे आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे जैसे कि कीबोर्ड हो गया, ऑक्टोबोर्ड हो गया, ऑक्टोपैड ज़्यादा से ज़्यादा, ऑक्टोबोर्ड का जो हाइस होता है ना तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर जाता है। ये जो फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा शार्पनेस चाहिए आपके टॉप के अंदर अच्छा मतलब लगा हुआ है यानी एचएफ बहुत ही अच्छा कंपनी का, तो वहाँ पे फ्रेंड्स ये फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ा दोगे ना तो जो हाइस है मतलब मुक्ता के जरिए जैसे कि बारिश होता है ना ऊपर से या बर्फ होता है तो नीचे तक की तरफ गिरता है, ऐसे भी साउंड का जो मजा है ना बहुत ही सुनने में जो अच्छा लगता है वही चीज़ ऊपर से नीचे निकलेगा इस नॉब के जरिए। हमिंग भी आता है, सीटी भी मारता है, तो उस सिचुएशन में आप इसको कम कर सकते हो। ओके, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो में मैं ऐसे जितना हुआ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया। फ्रेंड्स इस जो इक्वलाइजर है इसका प्राइस के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड्स अभी 14,500 से लेके 16,000 के अंदर आपको इंडिया में कहीं पर भी मिल जाना चाहिए ये जो इक्वलाइजर। तो इन्फॉर्मेशन दे दिया फ्रेंड्स।